नमस्कार, फिर से स्वागत है अपडेट्स के हमारे न्यूज कार्यक्रम में। मैं कुमार अभिषेक फिर से हाजिर हूँ ब्रेक के बाद बेहद अहम न्यूज को लेकर के। दरअसल मोदी सरकार की वापसी की उम्मीदों में झूम उठा है भारत का सेंसेक्स बाजार और 40,000 के पार जा पहुंचा है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है और यहाँ शुरुआती रुझानों में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए को बहुमत के संकेत मिल रहे हैं। बता दें कि इस बीच भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली है, जिसमें से सेंसेक्स 40,000 के आंकड़े को पार गया है। वहीं पे निफ्टी की बात करें तो 12,000 के करीब है निफ्टी। हालांकि कारोबार के एक घंटे के बाद सेंसेक्स में 1,000 अंकों से ज्यादा की तेजी रही है और सेंसेक्स सुबह 11:15 से लेकर के 40,100 अंक के ज्यादा के स्तर पर पहुंच गया। इसमें आज के कारोबार में बाजार में चौतरफा खरीदारी भी दिख रही है। वहीं बैंक, फाइनेंशियल और मेटल के अलावा सभी इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में बाजार के जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार की वापसी के संकेतों से निवेशकों में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है। तो वहीं मोदी सरकार की वापसी की वजह से निवेशकों को आर्थिक सुधार में तेजी की उम्मीद भी लग रही है। हालांकि रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद बिकवाली का भी डर है। कहने का मतलब यह है कि निवेशक बढ़त को भुनाने के लिए शेयर बेच सकते हैं। ऐसे में इस बात को कयास लगाए जा रहे हैं कि सेंसेक्स आखिरी घंटे में टूट सकता है। और आपको बता दें कि बीते रविवार को एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, जिनमें मोदी सरकार की वापसी की उम्मीद जताई गई थी। इसके बाद सोमवार को सेंसेक्स 14 से 21 की बढ़त के साथ 39,352 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी की बात करें तो 421 अंक मजबूत होकर के 11,828 के स्तर पर पहुंचा। निफ्टी में यह एक दिन में अंकों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी तेजी थी। वहीं सेंसेक्स 10 साल के उच्चतम स्तर की बढ़त पर बंद हुआ था। तो यह शेयर बाजार से जुड़ा एक बेहद ही अहम मामला, नया नतीजा जहां पे शेयर बाजार सेंसेक्स 40,000 के पार हो गए हैं। वैसे ये आम है कि जब भी कोई नई सरकार गठित होती है देश में, तो इसका असर बाजार पे पड़ता है। और जिस तरीके से एनडीए सरकार की बढ़त देखने को मिल रही है रुझानों में, अभी की शुरुआतों के रिजल्ट्स में, उसको देखकर के बीजेपी सरकार के फेवर में नजर आ रहा है बाजार। और जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर्स हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और शायद इसी का नतीजा है कि शेयर बाजार में एक बहुत बड़ा बूम, बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे कुछ नए अपडेट्स को लेकर के ब्रेक के बाद से। और बने रहे आप हमारे चैनल पर। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स साझा करें और अपने विचार जरूर बताएं कि क्या मोदी सरकार अगर वापस सत्ता में आ जाती है, जिसके पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं, तो क्या शेयर बाजार में और ज्यादा उछाल मिलने की संभावना लगती है आपको? अपने कमेंट जरूर बताएं। धन्यवाद।